गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई नेम इज सुमित एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। ऑल हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। ये जो हम एपिसोड कर रहे हैं जिसमें हम दुर्गा पूजा स्पेशल कर रहे हैं, पुणे में पिछले दो साल से दुर्गा पूजा उतने ग्रैंडियर पे नहीं बना सेलिब्रेट करी जा रही है जैसे हम कोविड से पहले करते थे। सो पांडाल हॉपिंग तो हम नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम पांडाल नहीं जा सकते हम खाना ट्राई कर सकते हैं। सो हम आज ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, देन वी विल गो टू अनदर प्लेस फॉर लंच, then we'll go for snacks, we'll be try some sweets and then फिर रात को dinner. Obviously when you say Bengali you say food. So ये काफ़ी awesome वाला food tour होने वाला है, please हमारे साथ बने रहिए and subscribe कीजिए हमारे इस channel को. So let's start. और आज हम आए हैं ब्यंजन जो कि एक असमीज और बंगाली फूड cuisine रेस्टोरेंट है। ये पिंगले निलक में है, वाकर रोड पे। सो टू स्टार्ट अवर ब्रेकफास्ट पहले चीज़ हमने मंगवाई है मोचार चॉप विच इज़ अ मेड बाय बनाना फ्लावर, ठीक है। एंड देन दिस इज फिश चॉप एंड दिस इज चिकन कटलेट। यू ऑल्सो गेट कॉन्डिमेंट्स अलॉन्ग विद दैट। इसमें अनियन है, अनियन को डिप करा हुआ है बंगाली मस्टर्ड सॉस में, इसको बोलते हैं कासुंदी सॉस। सो लेट्स ट्राई द बनाना और आई विल से मोचार चॉप। Okay, the filling is quite dense. I can see that. बहुत लीफी जो टेस्ट आता है मुँह में, प्लस और काफ़ी डेंस है, प्लस इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल है तो उसका टेस्ट है। बट आपको इसके साथ में यू कैन आई से आई हैव टू हैव सम ऑनियंस। या तो दिस इज़ अ फिश चॉप, भेड़ की फिश का कटलेट है ये, जिसको सी बास भी बोलते हैं। सो लेट मी सी, यू कैन फील यू कैन टेस्ट भेड़ की का पूरा अच्छे से अच्छा आ रहा है। और इसको भी इसको आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हो इफ़ यू वांट टू हैव द रॉ टेस्ट ऑफ द फिश बेसिकली, बट let me try with some onion also. Oh yeah, साथ में इसका टेस्ट जो है काफ़ी निकल के बाहर आ रहा है और इसमें ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओवर पावर नहीं कर रहे एक दूसरे को। ओके सर, नेक्स्ट डिश इज चिकन कटलेट। सो वी कैन सी अनियन पीसेज ऑफ चिकन, लेट मी जस्ट ट्राई। चिकन कटलेट एंड द मोचार चॉप, देन यू नीड द कॉन्डिमेंट्स, बट द फिश यू कैन हैव लाइक दैट ओनली। ओके, एक चीज में बताना भूल गया, लुक एट द साइज, दिस इज वन कटलेट एंड इट्स लाइक हैवी, 50-100 ग्राम कम से कम है, 100 ग्राम से ऊपर ही एक्चुअली है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ आ रहे हो और आप लाइव सोच रहे हो खाने का तो ये एक ही मंगवा, दो की जरूरत नहीं है। जो कटलेट चॉप्स लाइक यू नो बंगाली, अभी कैसे आप बंगाली फैमिली में जाओगे आपको कटलेट और चॉप जो है वो चाय के साथ सर्व होगी अगर आप शाम टाइम पे जा रहे हैं। सो नॉर्मली जैसे शाम को लोग समोसा खाना पसंद करते हैं, बड़ा पाव खाना पसंद करते हैं, वैसे ही बंगाल में कैलकाटा में जाओगे आस पास कहीं भी जाओगे बंगाल के अंदर, यू विल बी सर्व विद आइदर कटलेट टी विद आइदर विद कटलेट और चॉप्स अलॉन्ग विद पफ राइस। सो आवर नेक्स्ट आइटम इन आवर ब्रेकफास्ट टुडे इज राधा बल्लभी एंड आलू दम। सो राधा बल्लभी इज लाइक लूची फिल्ड विद मसाला, सो ये मैदे से बनता है एंड इफ यू कैन सी द फिलिंग, बहुत ही लाइट फिलिंग है, पूरी जैसे कचौड़ी में फिलिंग बहुत हैवी होती वैसे नहीं है, और इट्स वेरी वेरी लाइट, थोड़ा सा मसाला दिख रहा है, हल्का सा नमक मिला के। लेट मी जस्ट ट्राई,
how it is. I mean, you can barely notice the ring there. It's very, very mild. This aloo dum, I want to try it. Mind that on. Oh, oh, oh. प्याज मसाला आलू को जो कुक किया है वो बिल्कुल परफेक्शन का है. परफेक्ट डे टू स्टार्ट योर डे. सो अवर फिफ्थ एंड फाइनल डिश ऑफ दिस massive super massive breakfast is chola dal aur hing kachori. Abhi dekho ek cheez main saaf saaf batata hu, it's a bengali hing kachori, theek hai. So isme zyada it's like a luchi. Hing kachori again same maida but iske andar hing ka masala hota hai, you can see. And again see how less is the filling, which is good actually. ठीक है, सो मैं हूँ नॉर्थ इंडिया से. सो अगर कोई मुझे हिंग कचौड़ी ये बोलेगा वैसे तो मैं नहीं खाऊँगा, क्योंकि हिंग कचौड़ी जो हमारे मिलती है वो एक कचौड़ी होती है हैवी और वो एक काफ़ी है. यहाँ पे देखिए फाइव, दिस इज़ छोला दाल, बेसिकली चने वाली दाल जो होती है, ठीक है. छोले के साथ में ये अलग एक यूनिक ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन है. सो यू शुड ट्राई इफ यू आर कमिंग दिस प्लेस एंड यू लुकिंग फॉर अ ब्रेकफास्ट, यू कैन ट्राई दिस डिश. When you started, how the idea came into your mind? Sure. So we were in US and we came back and we just thought like we will start something of our own. And food is one thing which is like, you know, everybody's favorite. It's a cultural bonding for people. So we thought, why not we try something different in Pune? Primarily, as I am from the northeast, both of us, we thought like, you know, something from the east should be there in Pune. And on that basis, we started as Bengali and as Swiss cuisine, our restaurant, Yanjan. And here we are. All the very best, ma'am. Thank you so much for your time. With Mr. Manas here, like who is the owner of the corner of this restaurant? Let's say in the Durga Puja time, that is on from the 10th of October till the 15th. So we'll be celebrating food festival kind of things, especially fish, chicken. In fish, it will be hilsa, bhappa, then bhatki patori, hilsa patori. Then in chicken, it could be chicken kosha. Okay. Then in vegetable also, different kind of. So this will be the food festival kind of thing, especially for the Bengalis and Assamese cuisine. So every day special? Yeah, every day will be special. Sometimes it could be patasha, sometimes it could be bhatki. Even we are trying for the duck also, if it is possible. So we'll get the duck. So that's what we are planning. Now. We're looking forward to come to the during the Durga festival. Thank you so much, sir. Thank you. Please come and yes. I hope you enjoy. सो बेसिकली अगर तुम बंगाली खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करो, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू एंड दिस विद अ स्वीट. सो हम लोगों ने पायश हुए हैं, आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ. सो एक दोनों का साइज देखो आपका, ठीक है. और ये 1/2 है बाय द वे. नॉन बंगालीज हैं वो पायश को एक तरीके से कह सकते हैं ये खीर का एक वर्जन है, ठीक है. बट इज द टेस्ट सिमिलर to an extent, yes, but you should try because इसका taste थोड़ा सा कहीं पर आके अलग होता है. और चूँकि ये स्वीट डिश है, you should try. And Bengal is a famous for their sweet dishes, so you can never go wrong with the sweet dish when comes to Bengali food. और हाँ, पायश दो तरीके से बनते हैं. एक शुगर पायश होता है जो ये वाला है, चीनी वाला, और एक गुड़ से बनता है. तो चीनी और गुड़ वाले में अंतर ऑब्वियसली मिठास के वेरियंट का अंतर होता है, दूसरा कलर का अंतर होता है. जो चीनी वाला होता है पायश वो थोड़ा सा वो वाइट है, और जो गुड़ वाला होगा वो हल्का सा रेडिश होगा. सो इसके साथ हमारा ब्रेकफास्ट का टूर खत्म होता है.
स्टे ट्यून्ड. अभी हमें लंच करने जाना है, फिर शाम को स्नैक्स भी है और रात को डिनर भी है. हम लोग आए थे यहाँ पे लंच करने के लिए अपायन में, जो वाकड़ में है, और अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया है. एक साल हो गया उसको बंद हुए. सो हम लोगों को एक और रेस्टोरेंट रिकमेंड किया जो उसके पास में ही है. सो विल सी कि अगर वहाँ पे जाकर हम लंच करें. फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. तो भैया देखो, जो रेस्टोरेंट हम देखने गए थे वो भी वी डिडंट फाइंड इट गुड. सो अब एक और रेस्टोरेंट है. अभी रेस्टोरेंट वो पता नहीं रेस्टोरेंट कौन से रेस्टोरेंट में जाकर लंच करेंगे, बट हाँ क्या खाएंगे ये फाइनलाइज हो गया है. बहुत मेहनत है खाने के लिए भैया, बहुत मेहनत है. तो हम लोगों को एक और जगह मिल गया जिसका नाम है द बंगाल किचन, और ये बहुत ही छोटे से कॉर्नर में, गली में बचते बचाते हम लोगों को मिली है. और ये इतनी छोटी शॉप है कि आप उसके सामने भी खड़े रहोगे तो यू हैव टू रियली लुक वेरी हार्ड टू सी. ठीक है. सो इस जगह की, सो पहली चीज़ मैं आपको बोला था कि हम लोग डिसाइड कर लें कि हम खाने के हवाले हैं. ऑब्वियसली बिरयानी, चिकन बीन आलू बिरयानी. बीन मीन्स आलू, तो सॉरी अंडा एंड देन आलू चिकन. सो नो कोलकाता बिरयानी कैन बी यू नो कम्प्लीट विदाउट आलू इज देयर. द मेन डिफरेंस बिटवीन चिकन बिरयानी बिटवीन कलकत्ता बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी और एनी अदर बिरयानी इज कि चिकन की जो कलकत्ता बिरयानी होती है उसमें आलू होगा होगा, एंड इट्स अ इम्प्रोवाइज फॉर्म ऑफ अवधी बिरयानी. ठीक है. और वी फाइनली वी वर लुकिंग फॉर दिस फ्राइड आलू भाजा, यू कैन से जैसे फ्रेंच फ्राइज बनती है वैसे ही, बट इट्स मोर. एंड यू नो इफ यू वॉन्ट टू नो कि ये कोई भी रेस्टोरेंट जो बंगाली कुजीन देता है क्या वो बंगाली खाने को समझता है, समझता है इज द फर्स्ट थिंग. यू शुड गो देयर एंड ऑर्डर झूरी आलू भाजा. इफ दे हैव झूरी आलू भाजा देन यू कैन स्टेप इन, यू कैन हैव योर फूड. दिस इज द वन थिंग विच आई हैव लर्न. ओके, लेट मी जस्ट टेस्ट द राइस फर्स्ट. सो बासमती राइस केवड़ा डाला है हल्का सा फ्लेवर के लिए, आई कैन थोड़ा गुलाब जल का हिंट भी आ रहा है. Let's cook to perfection. So now I want to try this with aloo first. Bit of chicken. So you can see the redness of the chicken here also. Very well cooked. Not dry at all. So अंडे को भी इन्होंने, we can see boiled egg को उसको deep fry करा हुआ है. बट उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है, ऐसे मतलब बेसन बेसन कोटिंग होती है, विच इज गुड एक्चुअली. दैट्स हाउ इट शुड बी. सो वन मैसिव बाइट. वन थिंग विच आई वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि यहाँ पे सिटिंग एरिया बहुत छोटा है, 4, 8, 12, 16 लोग बैठ सकते हैं, बट डोंट गो विद द सिटिंग प्लेस. सो ये जगह बेसिकली यहाँ पे मैंने हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे बहुत लोग डिलीवरी ज़्यादा करते हैं, एंड द बिरयानी इज प्रीटी टेस्टी. हम इनसे हमने पूछा तो ये बानेर बाबरन तक डिलीवरी कर रहे हैं, एंड दिस प्लेस इज इन पिंपले सौदागर विच इज़ वेरी फार एक्चुअली. सो इफ यू लिविंग लिविंग इन बाबरन कोथरूड बानेर एंड यू लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कलकत्ता बिरयानी और कलकत्ता स्टाइल बिरयानी, यू कैन ट्राई दिस प्लेस. देखो आलू भाजा खाने का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सब मिलाना है कुछ करना है. जैसे गुजराती लोग खाने के साथ में नमकीन खाना पसंद करते हैं, इट्स लाइक दैट. थोड़ा नमक होता है, नमकीन होती, मज़ा आता. बट वन थिंग आई एम मिसिंग हियर इज एक्चुअली कि आलू भाजा में सेंग दाने नहीं है, मूंगफली नहीं है, मूंगफली दाने. यू नो कलकत्ता ने मुझे थोड़ा सा यू नो बिगाड़ लिया है. सो वहाँ का आलू भाजा और यहाँ के आलू भाजा थोड़ा सा डिफरेंस आ गई, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई एम एबल टू फाइंड इट, विच इज गुड. सो द पोर्शन इफ आई हैव टू से, देखो तुम अगर मुझ जैसा आदमी हो, 6 फुट आदमी और खाने का बहुत शौकीन, तो ये तुम्हारे लिए अकेले के लिए काफ़ी है. बट अगर तुम
थोड़ा नॉर्मल इंसान हो, मेरे जैसे बकासुर नहीं हो, तो दो बंदों के लिए काफ़ी है. प्रोवाइडेड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो, हम लोग ऐसा कोई प्लान नहीं है. यू वॉन्टेड टू ट्राई हैव बिरयानी ओनली, आलू भाजा फ्राई, जूरी आलू भाजा इज अ सरप्राइज एडिशन, लास्ट मिनट एडिशन, बट आई रियली वॉन्ट टू, वी रियली वॉन्टेड टू हैव जूरी आलू भाजा, बिकॉज सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बट वी वॉन्टेड टू हैड दिस. आलू भाजा एक कटोरी एक बंदे के लिए काफ़ी है, चिकन बिरयानी दो बंदों के लिए काफ़ी है, देखिए रायता ऑल्सो विच इज सेम फ्रेश ठंडा है. और कभी कभी क्या होता है कि जो बिरयानी के साथ जो रायता आते हैं ना, उसमें वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हरी मिर्च डालते हैं और पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है, बट इसमें हरी मिर्च कम है मेरे लाइकिंग के हिसाब से है, और ओवर पावरिंग नहीं है. बेसिकली आई डो नॉट लाइक द फूड वेर इन देर आर फोर मल्टीपल इन्ग्रीडियंट्स इन अ फूड एंड वन इन्ग्रीडियंट इज ओवर पावरिंग दिस इफ इट इज नॉट द मेन इन्ग्रीडियंट. सो मी एंड पाई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि हमें बिरयानी खा के आर्सलान की बिरयानी याद आ गई. जो लोग कैलकाटा में रहते हैं उसके आसपास रहते हैं उनको पता है कि आर्सलान इज वन ऑफ द बेस्ट बिरयानी बेकर इन कैलकाटा, और नो बिरयानी कैन गो विदाउट सॉफ्ट ड्रिंक, और यू कैन से थम्स अप और कोक. वी आर डन विद आवर बिरयानी है, और अभी जो दादा जिन्होंने हमें सर्व किया हमने उनसे पूछा कि और क्या क्या आपका स्पेशल है. सो उन्होंने बताया कि भेटकी फिश और पापड़, दैट्स अवर स्पेशलिटी. और भेटकी फिश जो है वो देसी फिश है, मतलब देसी भेटकी है, तो वो यू कैन ट्राई हियर. अगर आपको यहाँ पर आके नहीं खाना है तो दे स्पेशलाइज इन डिलीवरी, सो बिकॉज वी हैव सीन दैट ओके वी वर द ओनली कस्टमर हु वर सिटिंग देयर एंड ईटिंग. Yes, we have seen so many delivery guys coming in and taking the order. So, one thing which I really wanted to try here, but वो शाम का snacks है तो फिर दोपहर में तो नहीं मिलेगा. Egg chicken roll, egg roll was I was looking forward to it. But यहाँ पे इनका जो rice में basanti pulao is also very famous. Sir, यहाँ की chicken या biryani के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा. फुल बाउल ऑफ बिरयानी, ठीक है, और इससे पहले हम छः कटलेट खा के आए हैं और हम बिरयानी खा रहे हैं पेट में अभी, मतलब ऑब्वियसली कटलेट तो है ही हैवी, बट यहाँ बिरयानी खाते हुए ऐसा नहीं लगा कि पेट में कि अरे यार बहुत हैवी खाना खा लिया है, बिरयानी बहुत हैवी थी, नहीं, इट्स वेरी लाइट. जो मैंने पहले आपको बोला कि मुझे आसन की आ रहा है इसको खाने में, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि आसन का जो हमने मटन बिरयानी ट्राई किया था तो उसकी बिरयानी में थोड़ा घी ज़्यादा था, रिच थी थोड़ी, बट जो है इसका बहुत ही उमदा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो. मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती वो है कि जो उसमें अननेसेसरी अमाउंट ऑफ इलायची लौंग बहुत सारा डाले हैं लोग, तो बिरयानी फॉर मी पर्सनली बिरयानी ईटिंग बिकम्स अ ट्रेजर हंट, कि पहले पूरा इलायची अलग करो, लौंग अलग करो, काली मिर्च अलग करो. तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ उन्होंने डाली हुई है, ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ बिरयानी सो इट विल बी देयर, बट बहुत ही उमदा क्वान्टिटी में, जिससे जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहा और ओवरऑल ये भी नहीं हुआ कि पूरे बस चावल में काली लौंग और ये सब इलायची दिख रही है, फ्लेवर पूरा आया है. और बहुत ही ना खाने में बिरयानी ऐसा लगा कि बहुत सिंपल लगा, मतलब ऐसा नहीं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, गरम मसाला बहुत ज़्यादा पेट में लग रहा है, गले में लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी लाइट. और आलू जो थे वो भी बॉइल्ड है, ऑब्वियसली राइस बॉइल्ड हुए तो वो प्रॉपर कुक टू परफेक्शन, आलू के अंदर चिकन का टेस्ट आ रहा था, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ द यू नो बेंचमार्क और यार्डस्टिक, उससे पता चलता है कि एक्चुअली आलू चावल के साथ में, मतलब बिरयानी के साथ ही पकाया ही अलग से पकाया है, तो ये बिरयानी की प्लेट है. द एक्स्ट्रा शाइन बिकम यू कैन सी दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑयल एनीथिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है. और एज यूजुअल मैंने इलायची और लौंग काल मार खड़ी कर दी है. अब हम यहाँ से जा रहे हैं, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 3, तो स्नैक्स टाइम, सो देखते हैं वहाँ पर जाके क्या है.
So this is the place right between Monjeri's cake shop and Shri Bike Point. This is the shop. You can see कि बहुत छोटी है और यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पार्किंग का भी एक इशू हो सकता है. सो इट्स बेटर कि आप ऑर्डर ही करिए. बट हाँ, अगर आप हमारे जैसे हैं जिनको बस वहाँ जाके ही खाना खाना होता है जगह पे जाके, तो फिर आप प्लीज़ आ सकते हैं. जो ओनर थे शॉप के बंगाल किचन के, ही वाज प्रीटी बिजी क्योंकि अभी जो दुर्गा पूजा का टाइम है, सो केटरिंग भी करते हैं ये लोग, तो उसके ये लोग प्रिपरेशन कर रहे थे. सो वी क्विकली आज दिन की दुर्गा पूजा स्पेशल कुछ उनका मेन्यू है, कुछ डिशेज हैं. सो वो बोल रहे हैं कि षष्ठी से हर रोज दे विल हैव दुर्गा पूजा स्पेशल. सो जो उनका जोमेटो पे उनका जो नंबर है, यू कैन कॉल देम, यू कैन आस्क देम कि व्हाट इज द स्पेशल ऑफ द डे एंड यू कैन ऑर्डर. सो जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद दे वांट टू प्रमोट डाइनिंग इन एट होम. और मुझे लगा कि शायद तो उन्होंने बताया भी कि अगर आप पंडाल नहीं जा पा रहे हो, कहीं नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर मिसिंग दैट पंडाल फूड, देन जस्ट गिव अस अ कॉल एंड वी विल डिलीवर व्हाटएवर यू वांट. सो जो भी उस दिन का स्पेशल होगा, ऑन द बानेर, वाकड़, पिंपले सौदागर, पिंपले निलक, इस एरिया की नहीं या इसके आसपास रहते हो तो, और आपको अगर पंडाल की याद आ रही है और वहाँ के खाने की याद आ रही है, एक्सपीरियंस देम सिटिंग एट योर होम. We'll be right back.